नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टी टॉक शो में। मेरा नाम है धीरेंद्र, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर कीरो के बारे में और उन्होंने भारत के संदर्भ में कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणियां की जिससे यह दुनिया हैरान हो गई। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो भी पा सकें। चलिए दोस्तों पहले सबसे पहले जानेंगे कि प्रोफेसर कीरो थे कौन। दोस्तों कीरो का जन्म नवंबर 1866 में इंग्लैंड के ब्रे नामक स्थान पर हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में कीरो मुंबई आ पहुँचे और यहाँ ख्यात ज्योतिषी वेद नारायण जोशी से मिले और उनसे परामर्श करके वे हिमालय, कश्मीर, लद्दाख और वाराणसी गए तथा ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया। 3 वर्ष में वे ज्योतिष तंत्र आदि का ज्ञान प्राप्त करके वापस लौटे। चलिए दोस्तों जानते हैं भारत के विषय में की गई उनकी सटीक भविष्यवाणियों के विषय में। दोस्तों चलिए बात करते हैं पहली भविष्यवाणी के विषय में। दोस्तों सन 1931 में ही कीरो ने भविष्यवाणी की थी कि इस दशक के अंत में एक विश्वयुद्ध होगा, इंग्लैंड भारत को स्वतंत्र कर देगा युद्ध के बाद, किंतु हिंदू एवं मुसलमानों के बीच इस शताब्दी का भीषणतम नरसंहार होगा, अमेरिका जापान के साथ युद्ध करेगा जिसके भयंकर परिणाम होंगे। 16 वर्ष पूर्व भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने बताई थी। दोस्तों ये दूसरी भविष्यवाणी है। जब किसी को तनिक भी आशा या विश्वास नहीं था कितना सही एवं नैपुण्यपूर्ण कार्य किया था इन्होंने, कीरो ने जेल अधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर डॉक्टर मेयर की हस्तरेखाओं का अध्ययन करके बताया था कि हाई कोर्ट के तुरंत मृत्युदंड दिए जाने के आदेश के बावजूद तुम जिंदा बच जाओगे। तुम अभी 44 वर्ष के हो और तुम्हारी मौत तुमसे 15 वर्ष की दूरी पर है। 15 वर्ष बाद तुम अपनी सैया पर बीमारी से मरोगे। ऐसा ही हुआ। न्यायालय ने मृत्युदंड के आदेश में कानूनी त्रुटि पाकर मेयर का मृत्युदंड आदेश रोक दिया। अगली भविष्यवाणी की बात करें, लड़की की शादी पूर्व ओर के किसी देश के शासक से होगी मगर इसकी आयु बहुत कम है। यह भविष्यवाणी कीरो ने श्रीमती लीटर के समक्ष उनकी पुत्री के हाथ की छाप का अध्ययन करके की थी। सचमुच से उस युवती का विवाह वायसराय लॉर्ड कर्जन के साथ हुआ किंतु उसकी शीघ्र मृत्यु हो गई। लॉर्ड कर्जन कौन थे ये आप जानते हैं। कीरो से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने पूछा था कि भारत की आज़ादी का कोई ऐसा दिन बताइए जिस समय हम भारत को आज़ाद करें और वह समय भारत के लिए बुरा हो जाए। प्रोफेसर कीरो ने रानी के अनुरोध के चलते अर्धरात्रि का वक्त बताया, लेकिन साथ ही कहा कि भारत को संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती, विशुद्ध धर्मावलंबी नीति एक शक्तिशाली व्यक्ति सारे देश को जगा देगा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया भर की तमाम भौतिक शक्तियों से अधिक समर्थ होगी जिसका असर सारे संसार में पड़े बिना नहीं रह सकता, भारत का भविष्य उज्जवल होगा। इसके कुछ दिन बाद कीरो अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें पता चला भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। वे फिर महारानी एलिजाबेथ के पास गए और कहा कि आज़ादी के 50 वर्षों के अंदर अगर कोई महापुरुष भारत में खड़ा हो गया, भारत को कभी कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। अगर 50 सालों में कोई महापुरुष खड़ा ना हुआ, भारत को किसी ने गुलाम बना लिया तो इसे कोई आज़ाद नहीं करा पाएगा। कीरो ने 1925 में लिखी अपनी पुस्तक में भविष्यवाणी की है कि 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध सन यानी 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। कीरो अपने भविष्यवाणी में लिखते हैं, भारत का सूर्य बलवान है एवं कुंभ राशि में है, इसलिए भारत की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहीं पर एक चेतना पुरुष का जन्म होगा जिसकी आध्यात्मिक क्षमता समस्त विश्व की भौतिक क्षमता से कई गुना ज़्यादा होगी। वह गुरु शिष्य परंपरा का पालन करेगा, उसके अनुयायी हर धर्म जाति व संप्रदाय के होंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, किसी अन्य रहस्य के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।